हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है बूट कैंप, जिसे डायरेक्ट किया है क्रिश्चियन डुबे ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम बेन नाम के बंदे को देखते हैं, जो एक शॉप पर काम करता है। उसकी शॉप पर एक लड़की आती है और वो कहती है, तुमने मुझे एक बहुत घटिया सी चीज़ सेल की थी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये लड़की कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड सोफ़ी थी। वो उसे लेकर जाती है और ये दोनों मेकआउट करते हैं। एक पार्टी में सोफ़ी उसे इनवाइट करती है। सोफ़ी के पेरेंट्स ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था। एक्चुअल में उसके फादर की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। उसकी मदर ने किसी और के साथ शादी कर ली है। सोफ़ी के स्टेप फादर उसे अच्छे नहीं लगते। उन्हें इंसल्ट फील कराने के लिए उनके फ्रेंड के सामने एक सिगरेट उन्हें दिखाई। क्या ये आपकी है? ये सुनकर उसके स्टेप फादर को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें एडमिट करना होगा, जो तुमने कहा ये झूठ कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सोफ़ी और बेन की पार्टी चल रही थी। बेन नोटिस करता है सोफ़ी की आंख पर एक निशान है, उसके स्टेप फादर ने उसे जोर से पकड़ा था, इसलिए वो बहुत ही लाल हो गया था। सोफ़ी बेन से कहती है, मुझसे शादी कर लो, इसके बाद मुझे अपनी मॉम के पास नहीं रहना पड़ेगा। बेन कहता है, हमें इस रीज़न की वजह से शादी नहीं करनी चाहिए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये रीज़न होना चाहिए। ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे, तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो ज़बरदस्ती सोफ़ी को वहाँ से लेकर जाते हैं। बेन सोफ़ी के पेरेंट्स से पूछता है, ये सब क्या हुआ? उसने कहा सोफ़ी को इस सब की ज़रूरत थी, वो उसे एक कैंप पर भेजने वाले हैं। बेन कहता है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस कैंप में सोफ़ी को भेजा गया, ये कोई नॉर्मल कैंप नहीं है। जो बच्चे परेशानी क्रिएट करते हैं, उन्हें इस कैंप में भेज दिया जाता है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है और इसके लिए उन्हें बड़ी बड़ी सजा भी दी जाती है। अगली सुबह सोफ़ी को होश आया तो वह फिजी के एक आइलैंड पर थी। उसके साथ कुछ और भी लड़के थे जिन्हें इस कैंप पर भेजा गया था। इन सबको ज़बरदस्ती एक बीच पर ले जाया जाता है। सबका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उनके पैर पर एक चिप लगा दिया जाता है। इस डिवाइस में ट्रैकर था, जिससे कोई भी बचकर भाग ना सके। यहाँ सिक्योरिटी का हेड लोगन भी था। लोगन उनसे कहता है, यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे चारों तरफ पानी है, तुम तैर कर भी किनारे तक नहीं पहुँच सकते। इन सबको एक सीमेंट के स्क्वायर से बांध दिया जाएगा। लोगन कहता है, हम सबको स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, जितना जल्दी तुम सीख जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रात में किनारे पर पानी आने लगता है, ये सब लोग डूबने लग जाते हैं। पूरी रात खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगली सुबह कैंप का ऑनर नॉर्मन उनके पास आता है, वो उनका वेलकम करता है। सोफ़ी कहती है, ये किस तरह का वेलकम है? रात भर हमें तड़पना पड़ा था। नॉर्मन कहता है, तुम्हें जिस तरह से फील हुआ, तुम यही चीज़ अपने पेरेंट्स को कई सालों से फील कराते हुए आ रहे हो, वो भी तुम्हारी वजह से परेशान थे। इस कैंप में तुम्हें सही तरह से बिहेव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। दूसरे लड़के नॉर्मन को गाली देने लग जाते हैं, फिर एक बंदे को ये बहुत मारते हैं। इन सबको एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका नाम था एलन, जो यहाँ पर पिछले 2 साल से थी और अब वो यहाँ से जाने वाली थी, क्योंकि अब वो सुधर चुकी थी। एलन सारी चीज़ों को लेकर इन सबको गाइड करती है। बाकी कैंप के सारे स्टूडेंट ने ब्लैक टी शर्ट पहने हुए थे। वो कहती है, ये तुम्हारी स्टेट माइंड रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से तुम्हारे अंदर सुधार आएगा उसी तरह से टी शर्ट का कलर हम चेंज करेंगे, पहले येलो होगा और उसके बाद वाइट, जिसके बाद वो घर जा सकते हैं। सोफ़ी की कैंप में एक फ्रेंड बनती है, जिसका नाम ट्रीना होता है। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि एलन जब यहाँ पर आई थी तब उसकी कंडीशन क्या थी। एलन कहती है, मैं बहुत ही ज़्यादा फैट थी, अब यहाँ पर रहने के बाद वो फिट हो चुकी है, अब उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। वो फैट थी जिस वजह से टेंशन में वो खुद को हर्ट करती थी, अब उसका माइंड सेट बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं घर पर बेन ने सोफ़ी की मदर से बात करने की बहुत कोशिश की, वो बार बार उसे कॉल करता था। एक दिन सोफ़ी की मदर बेन से मिलने के लिए आती है। बेन ने उसे समझाने की कोशिश की, सोफ़ी ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती। बेन पूछता है वो कैंप कहाँ है, सोफ़ी की मदर उसे बता देती है। बेन कहता है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सोफ़ी की मदर को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। बेन ने उस कैंप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। वो घर में बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया। उसने एक ड्रग डीलर से ड्रग खरीदे, वो खुद को इंजेक्ट करने लग गया था। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं सोफ़ी को वहाँ एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया। इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। एक दिन कैंप में सोफ़ी ने देखा, इस कैंप में एक होल भी बनाया हुआ है। जो लड़के कोई बात नहीं मानते उसे इस होल में डाल दिया जाता है। ये बहुत ही डेंजरस पनिशमेंट थी। एक दिन सब लोगों को एक जगह पर बुलाया जाता है। ट्रीना को बीच में खड़ा किया जाता है।
नॉर्मन कहता है ट्रीना को यहाँ पर आए हुए 3 वीक हो चुके हैं। अब ट्रीना ने अब तक जो भी किया था उसे वो कन्फेस करना था। ट्रीना को सब लोगों के सामने बताने में थोड़ा गलत लग रहा था, इसलिए नॉर्मन ने कुछ बच्चों को चूज किया। ये सारे मिलकर ट्रीना को पुश करने लगते हैं और मारने लगते हैं। फिर फाइनली ट्रीना कन्फेस कर देती है। वो कहती है मेरे पेरेंट्स बहुत ही रिलीजियस हैं, मेरा किसी लड़के के साथ होना ये उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उनसे बदला लेने के लिए मैं एक रात बहुत सारे लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी, इसी वजह से उसे इस कैंप में डाल दिया गया। उसने जो भी किया उसे गलत लगता है, जिसके लिए वो शर्मिंदा भी थी। सब लोग आके फिर उसे गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं। सभी लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सारी चीज़ें सिखाई जा रही थीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेन ने ड्रग डीलर से बहुत सारे ड्रग लिए थे, इसलिए वो ड्रग डीलर डायरेक्टली उसके घर पर पहुंच जाता है। वो बेन को मारकर वहां से चला जाता है। ये सारी चीज़ें बेन के पेरेंट्स ने देखी, उन्हें सब कुछ पता चल गया था। वो गुस्से में बेन को भी उसी कैंप में भेजने का डिसाइड करते हैं। कैंप में एक रात सब लोग बहुत ही खुश थे। सोफी कहती है ऐसा क्या हुआ? ट्रीना कहती है आज खाने में चिकन है और ये चिकन बाकी सारे लोग खा जाएंगे, उन्हें लास्टली ये चिकन मिलेगा ही नहीं। ट्रीना को चिकन बहुत ही पसंद था, इसलिए वो एक पीस लेकर छुपकर खा रही थी। ये लोगन देख लेता है। वो कहता है क्या तुम सबसे स्पेशल हो, जिस वजह से तुम डिजर्व करती हो? अगर मैंने इस बात को रिपोर्ट कर दिया तो तुम कभी इस कैंप से नहीं निकलोगी। मैं तो तुम्हें अभी येलो टी शर्ट दिलवाने के लिए रिकमेंड करने वाला था। ट्रीना कहती है प्लीज ऐसा मत करना। लोगन कहता है फिर हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ट्रीना भी यहाँ से जल्दी निकलने के लिए उसे कुछ नहीं बोलती। रात में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिस वजह से सारे लोगों के टेंट टूट चुके थे। इसे फिर से बनाने के लिए सब लोगों को काम दिया जाता है। ट्रीना को सबका लीडर बना दिया गया था। काम करते करते सोफी बहुत ज़्यादा थक जाती है। वो कहती है प्लीज़ मुझे आराम करने दो। ट्रीना कहती है अगर तुमने काम नहीं किया तो हम सबको सजा होगी। सोफी नहीं मानती, इसलिए ट्रीना सबको ऑर्डर देती है कि वो सोफी को बहुत मारें। सब लोग वैसा ही करते हैं। ये सारी चीज़ें कैमरे में नॉर्मन देख रहा था। वो अपनी कलीग मैरियन से कहता है जब भी हम इन लोगों को कुछ बुरा करने का चांस देते हैं तो हमेशा ये वही करते हैं, कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाता, इसी वजह से सारे यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेन भी इस कैंप में आ चुका है। वो सोफ़ी को देखता है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन सोफ़ी को नॉर्मन ने अपने पास बुलाया। वो उसे दूध बिस्किट ऑफर करता है। सोफी कहती है तुम्हारी ट्रिक क्या है, मुझे कुछ अच्छा देकर मेरी थेरेपी करो, मैं इस तरह से तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। बाकी सब लोगों को लगता होगा तुम लोगों की लाइफ चेंज करते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। नॉर्मन फिर भी उससे एक क्वेश्चन पूछता है। उसने कहा तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ भेजा क्यों है? सोफी कहती है मेरे स्टेप फादर ने मुझे यहाँ भेजा है, मेरी मदर कभी भी ऐसी बात नहीं करती। सोफी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। रात में बेन सोफी के पास आकर बैठता है। सोफी को उसे देखकर अच्छा लगता है, लेकिन ये एक दूसरे को जानते हैं, ये किसी को पता नहीं चलने दे सकते। एक सीक्रेट जगह इन दोनों ने डिसाइड की और वहाँ पर जाकर ये मिलते हैं। बेन सोफी को बताता है कि वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचा है। वो कहता है अब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ। ये सब सुनकर सोफी की आँखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन बेन की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। उसमें एक लड़का था जिसे स्विमिंग नहीं आती थी, फिर भी ज़बरदस्ती उसे स्विमिंग करवाई जाती है। वो ऑलमोस्ट डूबने वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं लोगन और ट्रीना के बीच में डील हुई थी, जिसकी वजह से येलो टी शर्ट ट्रीना को मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सोफी को भी यहाँ आए हुए 4 वीक्स हो चुके थे, इसलिए सबके सामने कन्फेस करने के लिए उसे भी बुलाया जाता है। वो कन्फेस नहीं करती, इसलिए सबको बुलाया जाता है और वो उसे मारते हैं। फिर रोते रोते सोफी ने सब कुछ कन्फेस किया। वो कहती है मैंने झूठ कहा था, मेरे स्टेप फादर की पार्टी चल रही थी, सबके सामने मैंने कहा था कि वो रात में मेरे रूम में आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ही जलील होना पड़ा था। उसे बहुत पछतावा आता है कि इस तरह से वो झूठ बोली। आज रात बेन और सोफी फिर से मिलते हैं। बेन यहाँ से निकलने का प्लान कर रहा था। सोफी उससे कहती है शायद ये प्लेस मेरे लिए अच्छा है, मैंने झूठ कहा था जिसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। बेन कहता है ये लोग जिस तरह से हमें ट्रीट करते हैं इस तरह से हमें कोई ट्रीट नहीं कर सकता, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगले सीन में सब लोग खेल रहे थे। एक लड़का था जो बेन को बहुत ही परेशान कर रहा था, वो हर बार उसे मार के नीचे गिरा देता था। बेन ने उसे दूर रहने की वार्निंग दी और फिर फाइनली बेन ने चिढ़कर उसके प्राइवेट पार्ट में जोर से मारा। इस कैंप में सारे लोगों से कहा गया था कि आप लोग इस तरह से लेटर लिखो जैसे आपके पेरेंट्स आपको लेटर लिख रहे हों। ये सब लेटर नॉर्मन को मिलने के बाद सोफी का लेटर वो पढ़ता है।
सोफी ने लिखा था जैसे उसकी मदर ने बहुत ही स्वीट लेटर लिखा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सारी चीज़ें फेक कर रही थी और ये बात नॉर्मन को पता चल गई। नॉर्मन की कलीग उसे कहती है, तुमने इस कैंप को इसी तरह से बनाया है, यहाँ पर कोई भी झूठ कह सकता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए। नॉर्मन के जो भी तरीके हैं ये हमेशा उसे सही लगते हैं, जिनमें उसे लगता है कुछ भी गलत नहीं है। हमने मूवी के फर्स्ट हाफ में देखा था, सबके पैर में ट्रैकर था। बेन स्लोली स्लोली इस ट्रैकर को किसी तरह से डीएक्टिवेट करना सीख जाता है और फिर सोफी को यहाँ से लेकर भागने का प्लान बनाया। नॉर्मन जब पेरेंट्स की कॉन्फर्मेशन लेने के लिए गया हुआ था, वो भाग के उसके ऑफिस में जाकर पासपोर्ट चुराने वाले थे। मैरियन भी ऑफिस में थी और वहीं सो गई थी। वो वहाँ से अपना पासपोर्ट लेकर बोर्ड पर पहुँचते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे से होटल में आते हैं जो बेन ने पहले ही बुक कर लिया था। अब अगली सुबह ये प्लेन से वहाँ से निकल जाने वाले थे। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। वो अगली सुबह निकल पाते लेकिन इससे पहले ही कैंप के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो फिर से उन्हें पकड़कर कैंप में लेकर जाते हैं। नॉर्मन सबसे कहता है, बेन और सोफी ने जो भी किया इस वजह से सबको भुगतना पड़ेगा। 3 मंथ के लिए आप सबको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो होल्स थे इनमें उन दोनों को डाल दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बेन को जो परेशान करता था उस लड़के का नाम डैनी था। डैनी के कन्फेंस करने की बारी आती है। उससे पूछा जाता है, तुमने क्या किया? डैनी कहता है, मैं अपने स्कूल को बम से उड़ाने की इंटरनेट पर बात कर रहा था। ये मेरे पेरेंट्स ने देख लिया और यहाँ पर मुझे भेज दिया गया। ये सिर्फ एक मिस्टेक थी। मैं इंटरनेट पर एज अ करेक्टर बात कर रहा था। एक्चुअल में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था। वो नॉर्मन से कहता है, तुम भी तो एक रोल प्ले कर रहे हो कि हम सबकी तुम केयर करते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मन को उस पर गुस्सा आता है और सब मिलकर उसे बहुत मारते हैं। एक हफ्ता गुजरने के बाद सोफी और बेन को होल से निकाल दिया जाता है। नॉर्मन बेन से बात करता है। वो कहता है, सोफी की जो भी प्रोग्रेस हो रही थी ये तुम्हारी वजह से स्टॉप हो गई। मुझे पहले से ही तुम्हारे और सोफी के बारे में पता था, लेकिन फिर भी मुझे देखना था कि तुम क्या करोगे। वो बेन से कहता है, नेक्स्ट फ्लाइट लेकर तुम यहाँ से चले जाओगे। बेन इस बात से बहुत ही अपसेट हो गया। वो सोफी से बात नहीं कर रहा था। सोफी कहती है, क्या हुआ? बेन कहता है, मेरे यहाँ से दूर जाने के बाद ही तुम इम्प्रूव हो सकती हो। बेन जाने वाला है, ये सुनकर सोफी को बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं लोगन फिर से ट्रीना के पास आता है। वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी तो लोगन उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो रो रही थी तब उसे सोफी ने देख लिया। सोफी कहती है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या है। ट्रीना उसे सब कुछ बता देती है। अगले दिन जब ट्रेनिंग चल रही थी, फिर से सब लोगों को स्विमिंग करने के लिए कहा गया। उस लड़के को स्विमिंग नहीं आती इसलिए वो सबसे पीछे था। सब किनारे पर पहुंच गए। वे नोटिस करता है डैनी डूब रहा है। उसने लोगन को बताया लेकिन लोगन कहता है उसे खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। बेन उसे जाकर बचाने की कोशिश करता है। तब तक डैनी मर चुका था जिससे लोगन भी डर जाता है। वो बेन से कहता है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम सबको बताएंगे। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमेशा मैं तुम्हें इसी कैंप में रखूँगा। ये बात बहुत ही बड़ा इशू बन गई थी। नॉर्मन ने लोगन को अपने पास बुलाया। वो कहता है, अब मैं तुम्हें इस कैंप में नहीं रख सकता। लोगन कहता है, तुम मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। नॉर्मन कहता है, तुम यहाँ पर इनलीगली हो। मैं मिलिट्री को कॉल करूँगा और वो तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाएंगे। नॉर्मन फिर लोगन को सबके सामने लेकर आता है। वो उसे भी अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए कहता है। लोगन ने जिसको भी टॉर्चर किया था वो सारे मिलकर उसे कन्फ्रंट करते हैं। ट्रीना ने उससे पूछा, और कितनी लड़कियों को तुमने मजबूर किया येलो टी शर्ट दिलवाने के लिए? बाकी लड़कियां सामने आई। ये सारे मिलकर लोगन को बहुत मारते हैं। बेन डैनी की डेथ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो सबसे कहता है, यहाँ पर सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, हम सबको मिलकर इस कैंप को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सब लोग इसके लिए मान जाते हैं और हर जगह पर वो आग लगा देते हैं। लोगन मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और एक जगह पर जाकर टकरा जाता है जहाँ पर पहले से आग लगी हुई थी। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। सब लोग ये देख रहे थे लेकिन उससे बचाने के लिए कोई नहीं आता। उसकी वहीं पर जलकर डेथ हो जाती है। फाइनली बेन और सोफी नॉर्मन के ऑफिस में आते हैं। नॉर्मन कहता है, तुमने आज प्रूव कर दिया, तुम जैसे बच्चों को कैंप की ज़रूरत है। अब हमेशा पेरेंट्स डरते रहेंगे, ये कैंप कभी भी बंद नहीं होगा। नॉर्मन के पास गन होती है, वो उन्हें मारने वाला था। तभी बेन उस पर हमला कर देता है। बेन के पास भी चाकू था, वो नॉर्मन को मार सकता था लेकिन उसने ये ऐसा नहीं किया। नॉर्मन मौके का फ़ायदा उठाकर गन लेकर शूट कर देता है लेकिन उसकी गन में कोई भी गोली नहीं थी। नॉर्मन की कलीग मैरियन ने पहले ही गन की सारी गोलियाँ निकाल ली थी। वो कहती है,
कभी ना कभी इस सबको खत्म होना ही था। नॉर्मन जिन होल्स में इन सबको डालता था उसी होल में वो नॉर्मन को डाल देते हैं। यहाँ पर जो भी होता है इसके बारे में वो पुलिस को बता देते हैं। फाइनली सारे लोग इस आइलैंड से निकल गए थे। मूवी में बताया जाता है 1970 से इस तरीके के अलग अलग कैंप्स हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों को भेजा जाता है। इनमें गवर्नमेंट की कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होती तो वहाँ पर उन्हें कितना भी टॉर्चर किया जा सकता है। अब तक इस तरीके के कैंप में 40 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो चुकी है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।